राजस्थान में अगर वसुंधरा नहीं तो फिर कौन? जी हाँ, वसुंधरा राजे जो राजस्थान में मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, ये सवाल हर किसी के जहन में है। देखा जाए तो इस बार राजस्थान में जो ओपिनियन पोल बता रहा है, इसके हिसाब से कांग्रेस को कांटे की टक्कर बीजेपी दे रही है, या ये कहें कि बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। लेकिन पेच अब भी ये फंसा हुआ है कि अगर राजस्थान में बीजेपी जीतती है तो आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी की तरफ से, क्योंकि राजस्थान में मतगणना की तारीख बेहद नजदीक है। अगर इस पूरे चुनाव के सफर को देखें तो विधानसभा चुनाव 2023 की घोषणा होने के बाद से ही वसुंधरा राजे को बीजेपी की ओर से साइडलाइन किए जाने की चर्चाएं रही। बीजेपी ने अपनी पहली और दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे को टिकट नहीं दिया और तीसरी लिस्ट में उन्हें टिकट दिए जाने से खबरों का बाजार गर्म हो गया। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो उन्होंने हाल ही में झालावाड़ में हुई सभा में अपने सांसद बेटे दुष्यंत सिंह की तारीफ करते हुए कहा है कि अब दुष्यंत सिंह को इतना सिखा दिया कि अब रिटायर्ड हो सकती हूं। हालांकि इससे दूसरे ही दिन उन्होंने झालरपाटन से नामांकन भरते हुए बयान दिया कि मैं रिटायर होने वाली नहीं हूँ, सेवा का कर्म जारी रहेगा। हालांकि वसुंधरा ने कहा कि कुछ भी हो, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि 1998 के बाद से राजस्थान में या तो कांग्रेस के अशोक गहलोत या तो वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होते रहे हैं, लेकिन हमेशा राज्य की राजनीति के केंद्र में रहने वाली वसुंधरा राजे इस बार कहीं खो सी गई है। अगर बीजेपी राजस्थान में सरकार बनाने की स्थिति में होती है तब वो एक नेता कौन होगा जो वसुंधरा की जगह लेगा। तो चलिए आज उन नामों की चर्चा करते हैं जिनको लेकर बस बना हुआ है कि आखिर क्या ये वो चेहरे हो सकते हैं जो वसुंधरा राजे की जगह लेंगे। इस समय राजस्थान में पांच भारी भरकम नेताओं का नाम काफी चर्चा में है। सबसे पहला नाम ओम बिरला। ओम बिरला फिलहाल लोकसभा के स्पीकर है। इस बार के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी केंद्रीय मंत्रियों से लेकर सांसदों को चुनावी मैदान में उतार चुकी है तो ऐसे समय में ओम बिरला को बीजेपी भले ही विधानसभा का चुनाव नहीं लड़वा रही, लेकिन राजनीति के जानकार उन्हें छुपारुस्तम मानते हैं। बिरला 2003 से 2008 तक वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री काल में संसदीय सचिव रहे थे। कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, रातों रात समीकरण बदल सकते हैं। समय आया साल 2014 का और बीजेपी ने उन्हें कोटा से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया और ओम बिरला चुनाव जीतकर सांसद चुने गए। इसके बाद किस्मत का पहिया पलटा और बिरला 2019 में एक बार फिर से सांसद चुने गए, मगर देश और बीजेपी खेमे में उस समय हलचल मच गई जब दो बार के सांसद ओम बिरला को लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया, इसलिए मजबूत दावेदार है। दूसरा और बड़ा नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान की राजनीति में तेजी से चमकते हुए सितारे हैं। अगर इस चुनाव में खुले तौर पर कोई चेहरा स्पष्ट हो रहा है तो फिलहाल शेखावत है। शेखावत फिलहाल राजस्थान में दूसरी पार्टी से नेताओं की कांट छाट करके उन्हें बीजेपी में शामिल कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता और दो बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुकी वसुंधरा राजे के साथ भी उनके रिश्ते कुछ खास नहीं है। वसुंधरा की सरकार में उन पर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने के काफी इल्जाम लगे हैं। हालांकि वसुंधरा ने शेखावत को दूर ही रखा, लेकिन अब बीजेपी का गणित बदल गया है। अब ऐसे में बीजेपी महत्वाकांक्षी स्वभाव के शेखावत भी राजस्थान में बीजेपी का चेहरा हो सकते हैं। तीसरा नाम है दिया कुमारी, जिनको लेकर इस वक्त चर्चाएं राजस्थान चुनाव में सबसे ज्यादा है। राजस्थान से भाजपा सांसद दिया कुमारी जयपुर राजघराने की वर्तमान वंशज है। तीन बच्चों की मां दिया कुमारी ने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2013 में ही की थी। पहली बार उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल कर ली। इसके बाद 2019 में उन्हें बीजेपी ने लोकसभा टिकट दिया और जीत कर दिया संसद में जा पहुंची। वर्तमान में सांसद दिया कुमारी को राजघराने से संबंध रखने वाली और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि जब 25 सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर का दौरा किया था, उस वक्त दिया कुमारी को मंच का संचालन करने का जिम्मा दिया गया था। अर्जुन राम मेघवाल, ये भी एक बड़ा नाम है। बीकानेर से लोकसभा सांसद अर्जुन मेघवाल पूर्व आईएएस, वर्तमान केंद्रीय कानून मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संसद में हमेशा दिखाई देने वाले नेता हैं। वो राजस्थान में बीजेपी का बड़ा दलित चेहरा है। बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी ने मेघवाल को केंद्र में मंत्री बनाकर राजस्थान में दलित वोटरों को प्रभावित किया।
वो जमीन से जुड़े रहने वाले और काफी सहज नेता हैं, जो आईएएस बनने के बाद केंद्र में मंत्री बने हैं। उनकी जाति के प्रदेश में अच्छी खासी तादाद है, जो वोट के नजरिए से भी काफी महत्वपूर्ण है। उद्योग विभाग की सेवा से आए और प्रदेश के विभिन्न जिलों में जमीनी सच्चाइयों से वाकिफ मेघवाल असल में राजनीति के अर्जुन नहीं, लेकिन वो सत्ता के रथ पर एक प्रभावी भूमिका में है। एक खास बात यह भी है कि अर्जुन मेघवाल बीजेपी में बहुत तेजी से बुलंदियों की सीढ़ियां चढ़ चुके हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि बीजेपी में दलित नेताओं की तादाद कम है, जिसकी वजह से उनको आगे बढ़ने में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। मेघवाल की खास बात यह बनती है कि वो उनका स्वभाव दोस्ताना है, जो हर जगह रास्ता निकालने में कामयाब रहते हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार ने अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, इनाम भी लिस्ट में शामिल है। देखिए, ये तो वो नाम हो गए जिनका जिक्र मैंने किया है, लेकिन इसके अलावा भी लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। बीजेपी के पास बहुत सारे चेहरे हैं। इन सभी के अलावा बीजेपी के पास सतीश पूनिया, बाबा बालकनाथ भी विकल्प के रूप में है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके सतीश पूनिया 2018 में पहली बार आमेर से विधानसभा चुनाव जीता था। तो ये वो चेहरे हैं जिन पर मुहर लग सकती है अगर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनती है तो, क्योंकि बीजेपी वसुंधरा राजे को फिलहाल साइडलाइन कर रही है। अगर पूरा गुणा गणित किया जाए तो यही तस्वीर निकल कर सामने आ रही है। खैर, अभी जो नतीजे हैं उनका इंतजार। बीजेपी तो कह रही है कि हम चुनाव जीत रही है, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है, कांटे की टक्कर है। अगर बीजेपी जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, जिस पर आज हमने ये वीडियो बनाया है, कमेंट करके आप बताएं कि क्या वसुंधरा राजे एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी। उनकी जगह अगर विकल्प हो सकता है तो इन नामों में से कौन सा नाम सबसे पहले है।